अपना सांझा पंजाब टीवी ते दोस्तों तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल गलबात करन जा रहा पंजाबी फिल्म मेरा बाबा नानक दे संबंध विच। अज जदों हुण मैं ना बोलिया हैगा ते तुहाडे विचों भी कईआं ने सुनिया, जदों मैं ना सुनिया सीगा ते मेरे मन विच भी एक ख्याल आया सीगा, शायद तुहाडे मन विच भी ये ख्याल आया होवे कि जदों इदां दे नावां वालीआं फिल्मां बणदीआं ने तां पंथ दे विच विरोध आउणा सुभाविक हुंदा है और पंथ के मन च सिखां दे मन च यह ख्याल आउंदा है कि जिदा पहला कई फिल्मां इदां दीआं बणियां ना जिहड़ियां सिख विचारधारा दे नाल मेल नहीं खांदियां जां सिक्खी दा मजाक उड़ाउंदियां ने जां सिख रौह रीतां दे अनुकूल नहीं हुंदियां, भी शायद इदां दी ही एक होर फिल्म बन के आ गई है ते सानूं कमर कस्से कर लेने चाहिए आ ते असीं इस फिल्म दा डट के विरोध करना। शायद तुहाडे विच्चों भी कईआं दे मन च यह ख्याल आया होवे, मेरे भी मन विच यही ख्याल आया सीगा भी इदां दी नाम दी फिल्म आ रही है, जदों मैनूं किसी ने दस्सिया सीगा कि आह फिल्म तुसीं देख के आयो। चलो खैर, अज साडे पंजाब दे विच दिन हैगा जी सोमवार ते बीती कल जिहड़ी लंघ के गई है दिन सीगा ऐतवार। ऐतवार नूं साडे आम करके छुट्टी हुंदी है जिहदे करके लोग घूमण चल जांदे हैगे। मैं हुशियारपुर शहर दे विच रहिंदा ते हुशियारपुर शहर दे विच जिथे मेरा घर वा मेरे घर तों तकरीबन 9 किलोमीटर परे नूं आपां चल जाईए तां पहाड़ शुरू हो जांदे आ, पहाड़ी एरिया शुरू हो जांदा, अगां फिर हिमाचल जा लगदा हैगा। आसे पासे डैम हैगे आ, पाणी हुंदा डैमां दे विच, संघने संघने दरख्त भी हुंदे आ ते लोग उत्थे ना कई वार पिकनिक मनाउण चल जांदे हैगे आ। हुशियारपुर शहर दे कानू जलंधरों जलंधरों ते होर दूर दुराडे इलाकों तों भी लोग उत्थे घूमण जांदे आ, इंजॉय करदे आ, परिवारां समेत जांदे आ, बच्चों नूं नाल लैके जांदे आ, चलो हफ्ते दे विच इक छुट्टी आ, वीकेंड ते आपां चलो घूम के आउंदे आ। इदां ही कल ऐतवार सीगा ते असीं भी इधर उधर सज्जे खब्बे किते घूमण गए सीगे ते खालिस्तानी चिंतक हैगे ने पंथ दर दे वीर सरदार सरबजीत सिंह घुमान, उन्हां दा फोन आया मैनूं कहिंदे फिल्म देख के आयो। मैं कहा जी कीहड़ी? कहिंदे मेरा बाबा नानक। पहलां मैं गल कर हटिया, उही ख्याल मेरे मन विच आया, मन बस दूए पासे नूं तुर पिया, पता नहीं किदां दी फिल्म होनी आ। मैं अपने सज्जना मित्रां नाल सलाह की, मैं कहा जी इदां करके फिल्म, अगों एक सज्जन ने आख्या कहिंदा मैं जलंधर नूं जा रहा, मैं ते शाम नूं 6 बजे फिल्म नहीं देखण जा सकदा, पर यार फिल्मां इदां दीआं हुंदियां, बहुत बुरे हाल हुंदे आ, पता नहीं फिल्म दे विच की दिखाया होणा की नहीं, आपां कदों एवें प्रमोट करी जाइए। मेरा भी मन बस नीवें पासे वह तुरिया, गल फिर उही कमर नूं कस्से कर लईए ते फिर मेरे मन च ख्याल आया, मैं मना भी जिस शख्स ने मैनू फोन करके आप कहा कि फिल्म देख के आयो, भी जिहड़ी फिल्म दी टीम आ जिहने फिल्म बनाई हैगी आ भी उह साडे अमृतसर शहर दे विच आई बैठी है, भी मैं उहनां नूं जाणदा हैगा निजी तौर पर, और जिहड़े फिल्म दे नाल जुड़े हुए लोग हैगे ने उहनां विचों कईआं नूं मैं भी निजी तौर पर जाणदा। मैनूं इस गल दा बाद च पता लगा जदों मैं फिल्म देख के आया, जदों मैं फिल्म दे विच उहनां करैक्टर्स नूं देखिया जिन्हां ने रोल निभाया हैगा, फिर मैनूं पता लगा। खैर चलो मैं चल गया, मैं उन्होंने आख्या, मैं चलो ठीक है आप जरूर जावे, असं फिल्म देखने चल गए अपने हुशियारपुर शहर के सिनेमाघर के शामी 6 बजे। मैं उन्होंने आख्या भी मैं कि असं अपनी टिकटा, मैंने कहते टिकटा तुहाडियां बुक करा के रखा, मैं ना असं अपनी टिकटा आप इन्ने भी नहीं कर आप इन्ना भी नहीं कर सकते भी जे तुम यतन करके कोई वधिया फिल्म बनाई है तो आप फिल्म आप देख के आ सकते हैं, भी 200 रुपए की कि एड्डी गल वा। पर खैर चलो वो नहीं मने तो उन्होंने साढ़े जाते टिकट बुक कराई हुई सी, असं जाके टिकटा उतों लिया तो फिल्म देख लग पे। हुण जदों फिल्म देखी है ना तो तुसीं यकीन करके जाणे जिन्हें भी सज्जन मेरी गलबात नूं सुन रहे ने, मैं आम करके ना जी पंजाबी फिल्मां नहीं देखदा, मैं सच्ची गल आखां। उहदी वजह यह है कि साडियां पंजाबी फिल्मां दा जिहड़ा विशा वस्तु आ और जो शब्दावली वरती जाती है ना कई वार, मैनूं चंगी नहीं लगती हैगी। दरअसल विशा वस्तु जो हुंदा हैगा शरारतबाजियां हुंदियां, इश्क मिजाजी भी हुंदी आ, ढंग तरीके की चलो सारी गलबात होवे ते वधिया लगता हैगा, पर बहुत ज़्यादा ही कई बार ना ओवर जिहा हो जाता हैगा। तो वैसे फिल्मों का जिहड़ा म्यार वा ना हुण, क्योंकि फिल्मों के उपर हुण वाधू पैसे खर्चे जाते हैं जिहदे करके हुण फिल्मां अजकल वधिया बनदियां, उदां इह गल पक्की हैगी आ। खैर चलो जदों फिल्म देखण वास्ते, फिल्म दे विच हुण है की हैगा जिहड़ी मेरा बाबा नानक फिल्म आ, इहदे विच है की आ उह नहीं मैं तुहानूं दसूंगा, बहुता मैं माड़ा माड़ा संखेप जिहदे विच तुहानूं जरूर दसूंगा, तो क्योंकि मैं चाहुंदा हैगा कि तुसीं इह फिल्म जरूर देख के आओ। मैं इह फिल्म देखण वास्ते तुहानूं इस करके कह रहा क्योंकि जिन्हां ने यह फिल्म बनाई है उन्हां दा यह कहना है कि असी इस फिल्म तो पैसे नहीं कमा रहे, मैनूं इस गल दा यकीन इस करके है क्योंकि उन्होंने खुद बहुत थावां दे उपर आप अपने कोलों पैसे खर्च के लोगों नूं कहा कि असी पैसे खर्चदे आं ते तुसी जाके फिल्म देख आओ, बस इन्ना ही बहुत आ। उन्होंने एडवरटाइजमेंट के उपर पैसे नहीं खर्चे हैगे, वह कहिंदे कि असी एडवरटाइज के उपर पैसे नहीं खर्चने हैगे, असी इदां लोगों नूं फिल्म दिखा देनी आ अपने कोलों। अच्छा इस फिल्म दे विच जिहड़ी खास एक गल वो ये है कि इस फिल्म नूं जदों तुसीं देखदे हो ना शुरू तो लैके एंड तक हरेक सीन दे विच तकरीबन तुहानूं गुरद्वारा साहिब जरूर नज़र आऊँगा। एक होर गल, पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, आपां इह गल कहिंदे आ, मैं अक्सर इह गल कहिंदा हुंदा कि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, इहदे मायने की हैगे आ उह मैं अक्सर ही बयान करदा हुंदा कि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते इहदे मायने इह हुंदे आ
के पंजाब की धरती के वशिंदे जदों भी कोई कार्य करते हैं वशिंदे पंजाब की धरती के भावें दुनिया के किसी भी कोने क्यों ना रेंदे हो भावें पंजाबों लंबे भी कितना कितने क्यों ना रेंदे हो भई वह गुरु नूं विचाले रख के ही अपना हरेक कार्य करते हैं। इस करके कहा जाता है पंजाब वसदा गुरों के नाँ ते, मैनूं तां इह लगदा कि इस करके कहा जाता है। सो यह जिहड़ी फिल्म है ना, यह फिल्म भी इदां दा ही कुछ दर्शाउंदी है। फिल्म के जिहड़े किरदार हैगे ने, जिहड़ा फिल्म का मेन एक्टर हैगा आ, जिहड़ी हीरोइन हैगी आ, एक अकाल पुरख वाहिगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी दे उपर भरोसा रखते ने कि मेरा बाबा नानक है और वह साढ़े सारे दुख सुख साढ़े नाल हमेशा साढ़े सारे कार्ज उस वरूंगा। जे साढ़े कार्ज नहीं भी संवरते तद भी कोई एड्डी गल नहीं हैगी। जो आप बाणी पढ़ते हैं ना कित्या दूख भूक सद मार ये भी दात तेरी दातार के दाता जी, किन्ने लोग इदा के है जिन्हों दुख भुख तो सदा ही मार पैंदी आ कि पातशाह जी ये भी तेरी दिती हुई एक दात ही है। मतलब दुख नूं भी गुरु साहब जी ने दात आख्या है कि मैनूं परमात्मा ने दुख दे नाल भरी हुई एक दात दिती हुई है, दुख नूं भी दात करके जानना ये सिख नूं हदायत है। दूजे धर्मां दे लोकां ने शायद इस गल इहनू बहुता नहीं देखना, हालांकि मैं कहना कि जरूर देख लेना चाहिए हैगा। और सिखां विचों भी ज़्यादातर मैं वेख रहा कि उही लोग देख रहे ने इस फिल्म नूं जिहड़े पंथ दर्दी ने, और ज़्यादातर जिहड़े लोग इस गल नूं जाणदे ने कि फिल्म की टीम जिन्हां ने यह फिल्म बनाई है वह कौन लोग ने, उन्होंने किस मकसद नूं मुख रख के फिल्म बनाई हुई है। और तुसीं यकीन करके जाणो फिल्म नूं देखण लग्या शुरू तो लैके अखीर तक तुहानूं एक भी चीज़ इदां दी नज़र नहीं आउंदी। मैं पत्रकार हाँ जी, मेरा मैं नुक्ताचीनियाँ करदा रहिंदा हैगा, हर गल ते नुक्ताचीनी करदा पत्रकार हाँ, पत्रकार का कम ही सवाल चुकने, सवाल क्वेश्चन मार्क जिहा खड़ी करे करी जाने। मैनू शुरू तो लैके अखीर तक कोई भी इदां दा सीन नहीं लब्भा जिहदे बारे इदां कहा जा सके कि इत्थे मर्यादा की उलंघना हुई है, कुछ भी इदां दा नहीं होया। हालांकि मैंने एक दो थावां दे उपर कुछ घाट जी जरूर रड़की पई, जे इत्थे इदां हुंदा ना इत्थे ऐ हो जांदी। अच्छा, फिल्म दे विच एक होर चीज़ आम करके तुसीं देखियो, बहुतियां फिल्मां पुराने मैनू चेता आ, तुहानू भी पता हैगा फिल्मां दे विच की विखाया जांदा, पहला सिख नूं किस रूप दे विच दिखाया जांदा। पहला तो सिख साबत सूरत दस्तार सिरा वाली जिहड़ी गल आ, भई साबत सूरत तुहानू करैक्टर दिखदा ही नहीं हैगा फिल्म दे विच। बहुत सारियां हिंदी फिल्मां भी तुसीं देख लो, इधरों क्लीन शेव आ, सिर दे उपर पग बन्नी हुई है और मजाक दा पात्र बनाया हुआ इदां दे। फिर बहुत सारिया फिल्मां जिन्हां विच साबत सूरत भी तुहानू नज़र आऊगा, सिर दे उपर वधिया ठोकमी पग भी बन्नी होगी, पर फिल्म का विशा वस्तु वह इदां दा हुंदा हैगा कि जिहड़ा सिखां दा इतिहास हैगा ना, चाहे पुरातन भी क्यों ना होवे, उहनू तोड़ मरोड़ के किसी होर रंग दे विच रंग के पेश करन दा उपराला कीता गया होगा, तां सिख नूं हीरो दे रूप च दिखाया गया होगा। मैं ना नहीं लैणा किसी फिल्म का, फिर विवाद जां होर ही तरह का कोई होर बन जाता हुंदा, इदां करके आम करके हुंदा। सो फिल्मां दे विच सिखां नूं तां इह दर्शाया जांदा कि सिख ते मजाक दे पात्र हुंदे आ, पर सिख मजाक दे पात्र नहीं हुंदे। सिख अपना इतिहास परो के देख लैण, दुनिया सिखां दा इतिहास पढ़ के वेख लवे, सिख असल जिंदगी दे असल नायक हुंदे ने, और वह नायक इस फिल्म दे विच देखण नूं मिलदा जदों एक जना कहिंदा कि भाई जा जा के लंगर लुंगर ला, और उस वेले उह सिख कहिंदा कहिंदा भी तुसीं सिखां नूं ना हाथ जोड़दियां वेख्या, सिखां नूं हाथ जोड़दियां देखिया पर सिखां नूं कदी हाथ इदा खोल के हाथ तोड़दियां नहीं वेख्या कदी, फिर वह तोड़ के विखाउंदा भी आ। और फिल्म आपां जाणदे आं, मैं जिस खेत्र दे नाल जुड़िया हाँ मैनूं पता हैगा कि फिल्म जदों बनदियां ने तां एडिटिंग वगैरह हुंदी आ, और किन्ने वधिया तरीके दे नाल एडिटिंग कीती हुई आ। तुसीं देखो जिहड़ियां दूजियां फिल्म बनदियां बॉलीवुड दियां, इधरों आया जी सलमान खान ने मुक्का मारिया ठा करके ऐन घुमदा घुमाउंदा चार गेड़ियां मार के थले जाण के जाके डिग्गा, जिहड़े साडा यूथ आ जिहड़ा उहनूं बहुत चंगा लगदा इदां दा सारा कुछ। सो इस फिल्म दे विच वी तुहानूं इदां दा कुछ मिलूंगा भी, एक थप्पड़ वजदा ते अगला ऐनक मेरणियां खा के परे जा डिग्गा। सो इह मैं गल इस करके कीती हैगी आ कि साडे कोल सिखां दे कोल सिख कौम दे कोल दिखाउण नूं कम करन नूं इदां दा सारा कुछ ही हैगा आ, कोई कमी नहीं हैगी फिल्मां बनाउण दे विच, कोई कमी पेश दूजियां वल वेखण दी जरूरत नहीं हैगी। इस फिल्म दी टीम ने मैनूं इह लगदा कि सिख कौम दे सामने एक मॉडल पेश कीता कि सानूं साडी कौम नूं दूजियां वल वेखण दी जरूरत नहीं हैगी, कि साडे इतिहास नूं साडे कॉन्सैप्ट नूं साडी सिक्खी दी विचारधारा नूं दर्शाउण दे वास्ते बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले भई उह यतन करन ना, उहनां ने इस फिल्म नूं बना के इह बकायदा साबित कीता हैगा कि असीं इह कर सकदे हाँ, असीं इह सारा कुछ करन दे समर्थ हैगे हैं। हुण इस फिल्म दे विच एक जिहड़ा छोटा बच्चे दा सीन हैगा, जिहड़ा फिल्म दा मेन हीरो हैगा, उस हीरो दा छोटे बचपन दा किरदार जिन्हें निभाया हैगा, मैं उस बच्चे दी प्रोफाइल खोल के देखी,
उस बच्चे का नाम हैगा निमृत प्रताप सिंह, निमृत प्रताप सिंह पढ़ता भी है जी वह बच्चा हले, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, साबत सूरत है, हले चेहरे के उपर दाढ़ी नहीं आई क्योंकि बच्चा हले जूड़ा सिर के उपर किया होया और बड़ी ही सोहनी पग बनता है और एक्टिव इन्ना ज़्यादा आ ते मेरे तो उहदे वल वेख वेख के ना जो मैं वेखदा उहनूं मेरा दिल करता एक बार दोबारा बचपन आ जाए तो जिदा का वो बचपन के बच्चे ना एन हंडारिया बचपना जिदा का इदा का बचपना एक बार दोबारा फिर तो हंडा लीए एन मतलब जवानी वालू वध रहा हो। सो मैं ना जो देखता उन्हों तो जो मैं फिल्म देख रहा सगा तो मेरा मन बिच बार बार भावुक जहा भी होया, भावुक इस करके होया कि साढ़े कोल इदा के बच्चे हैगे आ, साढ़े कोल इदा का यूथ हैगा आ, साढ़े कोल सारा कुछ ही हैगा, पैसे की भी कोई कमी नहीं हैगी, साबत सूरत भी हैगे आ, फिल्मां भी बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, असी सारा कुछ कर सकते हैं, बस सिर्फ तो सिर्फ ये जो बच्चा है ना ये या इदा के जोड़े होर भी बच्चे आ इन्हों सांभण की जरूरत है, कितने ये ना हो कि ये बच्चे जिन्हों के कोल अज इन्ना वधिया गुण वा कलू आने वाले समय के कित इस लीहों लथ के किधरे होर बने ना चले जाण, इन्हों सामना किदा हैगा आ, ये बच्चे भी मैं समझदा कि अज समझदार ने, जवान हो रहे ने, सारिया गलों नू समझ सकते आ। मैं एक बेनती जरूर करनी चाहूँगा कि असी बहुत संताप हंडाया मेरे वीरो, मैं उस बच्चे नू भी कहना चाहना कि मैं पता ये मेरी गलबात छोटे बच्चे तेरे तक भी जरूर पहुँचेगी, प्रताप मैं जरूर कहना चाहता निमृत प्रताप सिंह, साडा इतिहास तुहाडा इतिहास अपना इतिहास आपां जरूर पढ़ीए, इसे मुल्क दे विच असी बहुत कुछ हंडाया होया, साडे कोल इदां दीआं जख्म ने ना साडे अल्ले जख्म ने हाले तक भी सिर्फ उपर कपड़ा पा के ढकिया होया, कितें फिल्मां दे राहीं वह सारे विखाए जाण, जो जो कुछ दिखाया जा सकता, असी इत्थे जून 84 हंडाई है, असी इत्थे नवंबर 1984 हंडाई हुई है, असी इत्थे सिख नसल कुशी झली हुई है, असी इत्थे वह सारा कुछ झल्लिया होया, फेक एनकाउंटर झले हुए है, असी इत्थे आ भी झल्लिया होया कि जिन्हां ने साडा कतलेआम किया उन्हां नूं कोई सजावां नहीं मिलियां, आ सारा कुछ असी झल्लिया होया और ये सारा कुछ कोई काल्पनिक नहीं हैगा, हकीकत है, फिल्मों के राही ये सारा कुछ दर्शाया जा सकता, असी तो इंटरव्यू करते हैं, असी तो इतने स्टूडियो बह के बोलते हैं, पर जिहड़ा साडा नवा यूथ आ नवी पीढ़ी है उन्होंने फिल्मों के राही भी सारा कुछ दसिया जा सकता कि असी आ कुछ इतने हंडाया और असी आ कुछ हंडा रहे हैं, साडे पंजाब के हालात किदां दे हुंदे सी, मैं पहला आख्या कि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, गुरां दे नां ते वसण वाले पंजाब दे अज हालात किदां दे हो गए ने, पंजाब वसदा गुरां दे नां ते इस गल दे मायने ये हुंदे ने कि पंजाब दी धरती दे वशिंदे भावें दुनिया दे किसे भी कोने विच क्यों ना रहिंदे होण, जदों भी कोई कार्ज करदे ने जन्म तो लैके मौत तक गुरु नूं विचाले रख के ही करदे ने, इसे करके कहा जांदा कि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते। सो मैनूं लगदा कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही भावुक हो गया, फिल्म दी टीम वाले ने भी कहना कि साडे तों सज्जणा ज़्यादा ही वड्डियां आसां कर रहे हैं, पर मेरे वीरो मैं टीम वाले नूं भी कहना चाहुंदा अमनमीत सिंह होरी उन्हां नूं भी मैं कहना चाहुंदा कि मेरे वीर असीं जे ये आसां तुहाडे तों ना करिए तां होर दसो कितों करिए, अक्षय कुमार तों करिए कितों करिए, सानूं भरावा तुहाडे तों ही आसां ने, असीं उम्मीद करदे हां कि अज वह पंजाब जिहदा मैं पहला जिक्र करके हटिया कि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, अज वह पंजाब चिट्टे दा आदि हो रहा, अज साडा यूथ होर बन्ने नूं तुर रहा, उन्हां नूं उधरों होड़ना, उन्हां नूं उधरों बचाउणा, उहदे वास्ते तुहाडे कोल बहुत कुछ हैगा, तुहाडे तुसीं मेहनत कर सकते हो, मैनूं पता इस गल दा कि इस फिल्म दे विचों तुसीं पैसा तां शायद नहीं कमाया होऊंगा पर तुसीं सिख कौम दा प्यार बहुत ज़्यादा कमाया होऊंगा, ये मैं दावे नाल कह सकदा, जिन्हां जिन्हां ने फिल्म देखी है ना तुहानूं आशीर्वाद बजुर्ग मातावां जरूर दिंदियां होणगियां, क्योंकि फिल्म दे विच नशियां दे नाल जो हालात हुंदे ने वह भी दिखाया गया हैगा, एक अकाल पुरख धन गुरु नानक बाबा नानक जी दे उपर भरोसा और उस भरोसे दे नाल फिर किदां जित हुंदी है वह भी विखाई गई है, सारा कुछ विखाया गया, हरेक सीन दे विच जिदां मैं पहलां कह के हटिया कि तुहानूं गुरद्वारा साहिब नज़र आउंदा हैगा, सो पूरा एन ए टू शुरू तो लैके अखीर तक पूरा उस ही रंग दे विच रंगिया होया सारा कुछ, जिहदे विच नुक्ताचीनी करन वास्ते कुछ नहीं हैगा, पर कईआं ने कहना कि पत्रकारी कहदा जे नुक्ताचीनी ना कीती, तां मैं बेनती करां माड़ी जी नुक्ताचीनी कर भी दिंदा हैगा, एक जगह ना फिल्म का जड़ा एक किरदार हैगा वीर अमृतपाल सिंह बिल्ला जी मेरे बड़े ही अजीज़ हैगे ने, जदों कितें मिलदे ने तां घुट के गलवक्कड़ी पा के मिलदे ने, वो एक ना हंकारिया होया बंदा जिहड़ी फिल्म की हीरोइन हैगी आ उहदा बापू, वह कहिंदा कि रब रू बना दी कोई चीज़ नहीं हुंदी, पैसा ही सब कुछ हुंदा हैगा, ते अमृतपाल सिंह बिल्ला वीर वो बच्ची नूं
ਚੰਗੇ ਆਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਭਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਵਾ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਓਏ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੂੰ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦਰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਪੂਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਲਗ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਡਾਇਲਗ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਅਰਥੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਨੰਗੇਜ਼ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋੜੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੱਭਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਵੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਿਓ। ਜੇ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।